कांग्रेस के दिग्गज नेता प्रियंका गांधी के एडवाइजर, लेकिन कांग्रेस को वार्निंग भी उन्होंने कई बार दी थी चुनावों से पहले और लगता है इनकी वार्निंग नहीं मानी। और बीजेपी, अमन एक बहुत बड़ा अपडेट, बीजेपी का नंबर 52 हो गया है छत्तीसगढ़ के अंदर और कांग्रेस 35 पे चली गई है। 17 सीटों का डिफरेंस हो गया है और कांग्रेस का नंबर तेलंगाना में 64, बीआरएस का 42, 38 से 42 बीआरएस और कांग्रेस 67 से 64 होती हुई, बीजेपी का नंबर 7-8 वही बरकरार है। लेकिन इंटरेस्टिंग अपने आप में यह चुनाव हो गया है, लेकिन हिंदी पट्टी से कांग्रेस का सफाया होता हुआ दिख रहा है अब, क्योंकि जो 10:30 बज चुके हैं, 2.5 घंटे की काउंटिंग हो गई है, रुझान हमारे सामने है। प्रमोद कृष्ण जी, आपका हम रुख करेंगे, लेकिन हिंदी पट्टी से कांग्रेस का सफाया, ये हिंदी पट्टी, वहां लाइट चली गई है आचार्य जी के यहां पर, लेकिन सिर्फ आपकी कैमरा की लाइट नहीं गई है, कांग्रेस की लाइट भी बुझ रही है इन तीनों राज्यों के अंदर हिंदी पट्टी के, बड़ा नुकसान कांग्रेस। आचार्य जी पहला सवाल यही, राहुल गांधी का जादू दिख रहा है मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, आचार्य जी जादू दिख रहा है? ये ठीक है, अभी लगता है आवाज नहीं जा पा रही, मुझे लगता है ही इज नॉट थ्रू। ठीक है आचार्य जी आपके पास, आचार्य जी को वैसे 10 बजे बैठना था, वो 10:30 तक बैठ रहे हैं, उनको लग रहा था कि कुछ हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का नंबर और 55 तक चला जाएगा, लेकिन शायद वो ना हो सका जिसकी आचार्य जी को उम्मीद थी। लेकिन अमन, छत्तीसगढ़ में चलिए एक सवाल मैं पूछता हूँ, छत्तीसगढ़ में आपको क्या उम्मीद थी? देखिए छत्तीसगढ़ में तो बहुत ज्यादा नेक एंड नेक फाइट थी, नंबर एक, नंबर दो, सबसे बड़ी उम्मीद जो यहाँ तीनों राज्यों में, तीनों में कोई फेस नहीं था, ये हमको ध्यान देना होगा, ना मध्य प्रदेश में कोई फेस बीजेपी का, ना राजस्थान में कोई फेस बीजेपी का, ना छत्तीसगढ़ में कोई फेस था बीजेपी का। तो जो कहा जाता है ना कि मध्य प्रदेश में तो शिवराज सिंह चौहान थे, लेकिन सीएम फेस उस तरह से बीजेपी ने डिक्लेयर इस बार नहीं किया था। तो तीनों राज्यों में लगभग ब्रांड मोदी पर चुनाव लड़ा गया था। छत्तीसगढ़ में जो मुद्दा उठाया गया था महादेव वाला, जिसका बार बार प्रधानमंत्री ने जिक्र किया था, महादेव को भी नहीं बख्शा, शायद संभवतः उसका असर। राजस्थान में अशोक गहलोत ने खुद कन्फेस कर लिया था कि अगर आरोप उन्होंने लगाया था कि बीजेपी की तरफ से जिस तरह के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, अगर वो काम कर गए तो खेल हो जाएगा, वरना मैं जीत रहा हूं। तो राजस्थान गया, मध्य प्रदेश गया, सरप्राइज मेरे ख्याल से 53 अमीश जी, 53 क्लियर मैंडेट छत्तीसगढ़ में, बहुत बड़ा मैंडेट है ये बीजेपी के लिए। आप याद करिए, ये बीजेपी को मैंडेट जब बीजेपी की सरकार भी आई थी तो 48-49 वाला मैंडेट बीजेपी के पास आया था, ये उससे बहुत बड़ा मैंडेट है। अगर ये नतीजों में तब्दील होते हैं, छत्तीसगढ़ के रुझानों में बीजेपी को बहुमत है, ये इस समय की सबसे बड़ी खबर है। तेलंगाना के अंदर कांग्रेस को बढ़त दिखती हुई दिख रही है, लेकिन बीआरएस वहां कंपीट करती हुई दिख रही है, एआईएमएम प्लस बीआरएस कुल मिलाकर 46 के आसपास का नंबर हो जाएगा वहां पर, ऐसा दिख रहा है फिलहाल। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, दोनों राज्यों में इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में लगता है कि जो अब बढ़त है वो बीजेपी बना रही है। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अभी 40 मिनट इंतजार करिए, बहुत कुछ होगा क्योंकि नंबर्स बदल रहे हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में कांग्रेस उम्मीद छोड़ दे, कोई कुछ बदलाव नहीं होगा, राजस्थान के अंदर कांग्रेस को कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए, कोई बड़ा बदलाव नहीं हो पाएगा। लेकिन एक जरूर हमें कल से एक ब्रेकिंग स्टोरी देखनी पड़ेगी कि कांग्रेस में कितना बड़ा सिर्फ फटाउल होता है, छत्तीसगढ़ से लेकर राजस्थान से लेकर मध्य प्रदेश तक, पूरी हिंदी पट्टी के अंदर पार्टी के अंदर विवाद खड़े होंगे क्योंकि बहुत सारे इश्यूज हैं। अगर ये नंबर कुछ और होते तो स्थिति कुछ और होती। आचार्य जी अभी तक हमारे साथ लगता है थ्रू है कि नहीं है? आचार्य जी आवाज मिल रही है आपको मेरे, हमारी अमीश? एक और चीज अभी वो थ्रू नहीं हो पाए, एक और चीज, राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा की भी बात करनी होगी, क्योंकि राजस्थान की 33 सीटों से होकर गुजरी थी भारत जोड़ो यात्रा जी, 18 पर था कब्जा, 7 जिले, 525 किलोमीटर राजस्थान से भारत जोड़ो यात्रा। मैं दरअसल इसका इसलिए जिक्र कर रहा था, जब कर्नाटक में जीत हुई थी तो भारत जोड़ो यात्रा को बहुत क्रेडिट दिया गया था। अब राजस्थान में 33 सीटों से होकर गुजरी थी भारत जोड़ो यात्रा और वहां लगभग आप देख रहे हैं कांग्रेस का क्या हाल है राजस्थान में। तेलंगाना का क्रेडिट संभवतः दिया जा सकता है राहुल गांधी को, लेकिन वहां पर भी अभी नेक एंड नेक फाइट नजर आ रही है। बीजेपी 155, मतलब गहलोत जी का जादू क्या हुआ या मोदी मैजिक के आगे जादूगर फेल हो गया, 155 मध्य प्रदेश, राजस्थान 107, छत्तीसगढ़ 53, ये 3-0। जब कोई पहले इस तरह की बात की जाती थी कि तीनों स्टेट्स निकल आएंगे तो किसी को भरोसा नहीं होता था, लेकिन मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, अमीश तीनों ही बीजेपी के खाते में जी। लेकिन इंटरेस्टिंग है, सनातन को भी गाली दी गई इस दौर के अंदर, और सनातन को लेकर जिस तरह की शब्दावली यूज करी गई
वो भारी पड़ी है पूरी हिंदी पट्टी में। आचार्य हमारे साथ है, उनका हम लोग कर सकते हैं ये बीजेपी के सेलिब्रेशन के विजुअल्स आ रहे हैं। पहले विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, आप लाइव इस समय अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं। लेकिन नाथद्वारा से सीपी जोशी पीछे, बीडी कल्ला राजस्थान में अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में पीछे चल रहे हैं, लक्ष्मण सिंह दिग्विजय सिंह के सगे भाई अपनी सीट पे पीछे चल रहे हैं, लेकिन उन्हीं के बेटे राघोगढ़ से जो परंपरागत सीट है दिग्विजय सिंह की, जयवर्धन सिंह काबिल नेता है वो आगे चल रहे हैं। गोपाल भार्गव बीजेपी के बड़े नेता कैबिनेट मंत्री है आगे चल रहे हैं, लेकिन शिवराज सिंह चौहान की भी मेहनत है मध्य प्रदेश के अंदर, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नरेंद्र मोदी फैक्टर ने वाकई डिलीवर करा है और वो हमेशा से प्लस ऐड करता रहा है। लेकिन हिंदी पट्टी से हम कह सकते हैं कांग्रेस का सफाया हो गया है राजस्थान और छत्तीसगढ़। गजेंद्र शेखावत कुछ बोल रहे हैं, उनका हम रुख करेंगे, लेकिन हमारे साथ आचार्य जी हो गया। क्योंकि मैं पहले दिन से कह रहा था, मैं धरातल को देख रहा था कि इस बार का चुनाव राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी को उखाड़ फेंकने के लिए कर रहे, क्या कर रहे हो?